हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है और ये क्या बताता है। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की समस्या विश्व के लिए एक नई चुनौती बन गई है। भारत की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी है। इस प्रदूषण की समस्या की मेजरमेंट के लिए भारत में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत की गई है, ताकि हम इस इंडेक्स की मदद से उस हवा में मौजूद पॉल्यूटेंट्स को पहचान कर सकें और उनकी मात्रा का अनुमान भी लगा सकें। हम जानते हैं कि क्लीन एयर में सांस लेना कितना ज़रूरी है। ज़्यादातर बीमारियां प्रदूषित वायु में सांस लेने की वजह से ही हो रही है, इसलिए वायु प्रदूषण के मेजरमेंट के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को बनाया गया है। यह इंडेक्स देश में वायु की गुणवत्ता को मापते हैं। यह बताता है कि उस देश का एयर कितना ज़्यादा साफ है और कितना ज़्यादा खराब है। और ये बताते हैं कि वायु में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा WHO के द्वारा बताए गए मापदंड से अधिक है या नहीं। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की गुणवत्ता को बताता है। ये बताता है कि हवा में किन गैसों की कितनी मात्रा घुली हुई है। हवा की गुणवत्ता के आधार पर इस इंडेक्स में 6 कैटेगरी बनाई गई है। जैसे जैसे एयर की क्वालिटी खराब होती जाती है, वैसे ही रैंकिंग अच्छी से खराब और फिर गंभीर की श्रेणी में आ जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 मेजर पॉल्यूटेंट को मेजर किया जाता है, जैसे PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये कुछ पॉल्यूटेंट है जो किसी भी एयर की क्वालिटी को निर्धारित करता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है एयर में तो वो एयर खराब है, और इसकी मात्रा अगर कम है तो वो एयर क्लीन है। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या को खतरनाक बनाने में इन्हीं गैसों का मुख्य हाथ है। जब इन कणों और गैसों का स्तर वायु में बढ़ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन होने लगती है, और हालात इतने खराब हो रहे हैं कि दिल्ली वाले हर रोज 21 सिगरेट का धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। देश में एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल और डीजल की जलने की वजह से ही PM10 और PM2.5 निकलते हैं, जो वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख घटक हैं। इसके अलावा देश में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए। हरियाणा और पंजाब के किसानों को पराली जलाने पर रोक लगानी चाहिए। दिवाली के अवसर पर पटाखे जलाने पर कंप्लीट पाबंदी लगा देनी चाहिए।